जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एसएससी द्वारा सीजीएल की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन और लॉगिन करके आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें यदि आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 3 अप्रैल 2023 से। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, आपको ये गूगल पे जाना है, आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आप इसमें केवल एसएससी आप टाइप कीजिए, एसएससी के बाद इंटर कीजिए। फ्रेंड्स आपको ये देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, ये होम दिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नोटिस यहाँ दिया हुआ है, नोटिस आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, यदि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे ये देखिए पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, टोटल 75 पेज का दिया हुआ है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ से आप सारी डिटेल फिर से चेक कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कौन कौन सी पोस्ट है और एज लिमिट क्या है, ये सारी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको पिछली वीडियो में ये सारी जानकारी दे चुके हैं, आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए फिर से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और सेकेंड ये देखिए राइट साइड पे यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन वाला सेक्शन दिया है, यहाँ से आप यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट टाइम है यानी फ्रेशर कैंडिडेट है, उनको यहां से क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, न्यू यूजर या रजिस्ट्रेशन नाउ। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे यहां पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए आपको तीन सेक्शन में फॉर्म अप्लाई करना होगा, फर्स्ट नंबर आपको बेसिक डिटेल फिल करना होगा, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपको एड्रेस फिल करना होगा, और थर्ड नंबर पे जैसे एड्रेस फिल कर देंगे तो थर्ड जो स्टेज होगा उसमें आपको डिक्लेरेशन करना होगा, एक चेक बॉक्स होगा उसे आपको फिल करना होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। तो देखिए बेसिक डिटेल में आपको कैसे कैसे फिल करना है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे यस करना होगा आधार कार्ड, और देखिए आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा, और वेरीफाई आधार नंबर, एक बार फिर से आपको आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है यानी फिर से आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे हर चीज को डबल बार इसलिए करा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे आपको आईडी फिल करना है, आईडी यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, यदि आपको यहाँ पे है एलिजिबल है तो यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज ये अपने से रहेगा। और देखिए टाइप ऑफ आईडी के बाद आईडी नंबर यहाँ फिल करना होगा, नेम फिल करना होगा फ्रेंड्स, नेम के बाद यहाँ पे फिर से आपको नेम वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद यदि आप इसमें अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे न्यू नेम चेंज नेम जो होगा उसे फिल करना होगा, फादर्स नेम फिल करना होगा, और फादर्स नेम को फिर से वेरीफाई करना होगा, फादर्स के बाद मदर नेम फिल करना होगा, फिर से मदर नेम वेरीफाई करना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है यहाँ पे और वेरीफाई करना होगा डेट ऑफ बर्थ। और देखिए आपको मेट्रिकुलेशन के जो यहाँ पे दिया हुआ है यानी हाई स्कूल के कौन से बोर्ड से हैं उसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे दे देगा किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, कौन सी बोर्ड है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी बोर्ड से आप हैं, जैसे यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ यूपी बोर्ड फिल कीजिए, ये देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड दिया हुआ है, और फिर जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पे फिल कीजिए। और देखिए यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना होगा, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए फिर से फिल करना होगा, और यहाँ पे रोल नंबर आपको फिल करना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे फिल करना होगा, फिर वेरीफाई रोल नंबर करना होगा, और आप कौन से ईयर में पासिंग किए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2015 दिया हुआ है, ये जो भी है जिस भी आप ईयर में पास किए हैं हाई स्कूल वहाँ पे फिल करना होगा, फिर से यहाँ पे फिल करना होगा
वेरीफाई करना होगा। तो ये इसमें सारा कुछ आपको वेरीफाई करना है, जैसे यहाँ पे जेंडर है मेल है तो यहाँ पे भी मेल करना है, और लेवल ऑफ एजुकेशन कौन से एजुकेशन है, किस लेवल से है, मेट्रिकुलेशन है तो मेट्रिकुलेशन फिल करना है, और कुछ फिल करना है, हायर है, ग्रेजुएशन है, जो भी है इसे फिल करना है। और उसके बाद वेरीफाई करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, और इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना होगा। ईमेल आईडी को फिर से क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्टेट और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा, कौन से स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट जैसे कि दिया, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सब कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सेव यहाँ पे मैंडेटरी दिया हुआ है, तो देखिए जहाँ पे स्टार दिया हुआ फ्रेंड्स इसे बॉक्स को आपको कम्प्लीटली करना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो इसे आप इम्पटी नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये करने के बाद आपको सेव करना होगा, और सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में देखिए क्या फिल करना होगा। नेक्स्ट स्टेज में आपको आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना होगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सैंपल बता रहे हैं, सैंपल देख लेंगे तो आप फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेज में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार आपको बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी है तो ड्राइवरी लाइसेंस है जो भी है, और आईडी नंबर है उसमें फिल करना होगा। तो इस प्रकार आप सैंपल देख सकते हैं, इस प्रकार आपको सैंपल फिल करना है। फिल करने के बाद देखिए ये फर्स्ट जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे रोल नंबर हाई स्कूल का है तो ये दिया हुआ है। ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये सेव करना है। सेव करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेज जो दिया हुआ है एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए फिर से आपको इस प्रकार फिल करना होगा, कैटेगरी यहाँ पे फिल करना है, कौन से कैटेगरी के लिए, ओबीसी है, एससी है, एसटी एसटी तो इसे वेरीफाई करना होगा, नेशनलिटी आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई सिंबल है, कोई कट निशान है तो उसे करना है, जैसे मोल ऑन राइट चीक्स यानी कि आपके दाहिने साइड पे मोल है, मोल का है चीक पर तो उसे फिल कर सकते हैं, या कोई अदर कट है तो इसे फिल करना है। और दिया हुआ है आर यू पर्सन विद डिज बेंच मार्क डिजेबिलिटी, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि पर्सन विद डिजेबिलिटी दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करना है। अगर यस करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, आप कैसे डिजेबिलिटी है, कैसे दिव्यांग है, आपको आंखों में प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, या एच डीप ऑफ हैंड हार्ड हियरिंग हियरिंग प्रॉब्लम है आपको, या आपको लोकोमोटिव डिजेबिलिटी है यानी पैरों में प्रॉब्लम है, तो यह आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ फिल करना होगा आपको, यदि पीडब्ल्यूडी होंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसे यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर परमानेंट आपको एड्रेस फिल करना होगा, जैसे कि आप जो भी है जैसे कि यूपी से बिलोंग करते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा, विलेज करना होगा, पिन कोड नंबर ये फिल करना होगा, और स्टेट आपको फिल करना है जिस भी स्टेट से हैं, जैसे यूपी से है, पंजाब से है, बिहार से है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको आपको फिर से वही को वेरीफाई करना है। फिर दिया है डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पंजाब से है तो यहाँ पटियाला फिल कर सकते हैं, यूपी से है तो यूपी में जैसे बनारस है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे फिल करना होगा। और देखिए पिन कोड नंबर आपको 6 डिजिट का होगा उसे फिल करना होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, ये बता रहा है इन इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो क्या आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस से सेम है, तो जैसे यस है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप किसी नए प्लेस पे रहने लगे हैं तो वहाँ पे नो कर सकते हैं, तो ये करना है फ्रेंड्स। और देखिए प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट उसमें कंप्लीट, और विलेज नेम है, पिन कोड नंबर ये फिल करना है, स्टेट फिर से फिल करना होगा, और पिन कोड नंबर फिल करना होगा। ये सब फिल करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अदर नेशनल फिल करना है, और यहाँ पे फिर से आपको सेव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स सेव करेंगे, या आपको प्रीवियस चेक करना है तो उसे करेंगे। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट एक स्टेज देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। तो ये सब बेसिक डिटेल के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन में करना होगा, यहाँ डिक्लेरेशन में आई एग्री करना होगा कि आपके द्वारा जो भी फिल किया गया डिटेल वो करेक्ट है, और उसके बाद यहाँ आई एग्री के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, टेक ड्राफ्ट प्रिंट तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे
जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड किए होंगे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। तो जैसे ही पासवर्ड मिल जाएगा, अब आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो यहाँ से आपको फिर से लॉगिन करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, जितने भी डिजिट का होगा, लगभग 11 डिजिट का होगा या जितने भी होगा, यहाँ फिल करना है आपको। यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद ये जो लॉगिन वाला सेक्शन दिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना होगा। तो देखिए कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, उसको आपको सैंपल दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट 2 पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार फिल करना है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 के है। यहाँ पे भी आपको प्लीज बी वेरी केयरफुल, आपको केयरफुली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें भी कैंडिडेट का नेम होना चाहिए जो हाई स्कूल यानी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में हो, वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका संदीप गुप्ता है या कुछ भी शुभम शर्मा है, उसे फिल करना है। यदि आपने नाम चेंज किया है तो यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम फिल करना है और यहाँ पे मदर नेम फिल करना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है। और आपकी एज कितना है यहाँ पे मेंशन कर। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, आपके यहाँ पे कितने साल के हैं एज का वैल्यू यहाँ पे शो करने लगे। ऑटोमेटिक जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, पीडब्ल्यूडी है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और पीडब्ल्यूडी किस प्रकार है यानी दिव्यांग किस प्रकार है, यहाँ पे पार्ट आपको करना है, पार्ट ऑफ बॉडी यहाँ पे मेंशन करना होगा। और यहाँ पे ये दिया हुआ है वाइजबल, वाइजबल इंडिकेशन आपको जो फेस पे कोई कट है उसे मेंशन करना है। मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किया यहाँ मेंशन करना है। मेट्रिकुलेशन के जो रोल नंबर है इसे फिल करना होगा, कौन से पासिंग ईयर है इसे फिल करना है। उसके बाद प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, आपको 3 सेंटर चूज करने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर कहाँ लेना है, कहाँ लेना है अपने स्टेट में कहाँ कहाँ, तो 3 सेंटर चूज करने का ऑप्शन देगा, यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद यह हुआ है यदि आप एक सर्विसमैन है तो यस कीजिए। यस करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको एक्टिव हो जाएगा ये बॉक्स, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना होगा, एम्प्टी छोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब फिल करना होगा। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार यहाँ पे कुछ मेंशन दिया, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है तो यहाँ टिक करना है, इसे यस नो करना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ यस रिलैक्सेशन कोड, क्या आप रिलैक्सेशन आयु में छूट चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं तो यस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर दिया हुआ है इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन करना है। फिर डिटेल क्वालिफिकेशन करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करना है। फिर दिया हुआ है स्टेटस यहाँ फिल करना है, पासिंग ईयर करना है और स्टेट यूपी बोर्ड है जो भी बोर्ड है यहाँ सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी करना है, रोल नंबर फिल करना है, परसेंटेज या CGPA फिल करना है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ करना है तो यस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये फिल करना है। और देखिए दिया परमानेंट एड्रेस फिल करना है, स्टेट फिल करना है, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर करना है, ये करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर करना है। फोटोग्राफ में देखिए आपको कितने साइज का होगा, 20 KB तो 50 KB आपका यहाँ पे होना चाहिए फोटोग्राफ। और यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ, साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर आपके उसमें विड्थ होनी चाहिए और जो हाइट होनी चाहिए वो 4.8 होनी चाहिए, ये दिया हुआ सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर, यहाँ सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है 10 KB to 20 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ साइज दिया 4 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है वेदर फोटोग्राफ हैज बीन टेकन आर आफ्टर 3rd जनवरी, जनवरी 2023, जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले नहीं तो यस करना है यहाँ पे, ये होगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है सब कुछ, यदि करेक्ट फिल है तो यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है कैप्चा कोड फिल करना है या सिक्योरिटी कोड जो दिया हुआ है DCRAM, तो इस प्रकार यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, तो जैसे यहाँ प्रीव्यू करेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये देखिए
आपको पेमेंट का वो आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट गेटवे करना है, आपको पेमेंट करना है, 100 रुपए एप्लीकेशन फी है, वो भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट से लिया जा रहा है, एससी एसटी कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लिया जा रहा है। आपको किस प्रकार सैंपल दिया हुआ है, फोटो किस प्रकार अपलोड करना है, तो ये दिया स्पेसिफिक फोटोग्राफ, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, आपको इस प्रकार का फोटोग्राफ आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर और इस प्रकार एक्स्ट्रा कलर है तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, ब्लर फोटो है तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, किसी भी प्रकार के आप कैप या हाइट लगा रखे हैं तो यहाँ पर भी रिजेक्ट कर देंगे, ब्लर है फोटो इस टाइप का है, ये सब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, टू स्मॉल है, बहुत छोटा है, गगल लगाए हुए हैं, तो ये सब आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका अलाउड फोटो इस प्रकार का होना चाहिए, फेस आपका बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, तो ये था फ्रंट है, इस प्रकार आप करेंगे। और यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, जैसे जाति प्रमाण पत्र है और आय इनकम सर्टिफिकेट, ये सब फिल करना होगा। इस प्रकार आपको पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म, तो इस प्रकार आप फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर बताएं कि कैसी जानकारी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर, आप सभी के लिए इसी प्रकार नई नई भर्ती की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर से नई नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।